पांच मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे पाँच मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीन यतलूना किताबल्लाहि व अकामुस्सलाता व अन्फकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। ये हमारी रमज़ान स्पेशल सीरीज़ है जिसमें हम लोग कुरान मजीद से मुतालिक कुछ बातें देख रहे हैं। मैंने जो आयत अभी आपके सामने पढ़ी है, ये सूरह फातिर की आयत है, आयत नंबर 29, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, इसी तरह जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसमें से पोशीदा तौर पर और ऐलानिया तौर पर खर्च करते हैं, वो एक ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो खबी खसारे में ना होगी। आप मुझे बताएं, आपकी नज़र में दुनिया की कोई ऐसी तिजारत है जिसमें नुकसान हो ही ना, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा हो, सिर्फ फ़ायदा, नुकसान है ही नहीं उसमें? ऐसी कोई तिजारत आपकी नज़र में है? नहीं होगी। हर तिजारत में कुछ ना कुछ अंदेशा या 1% तो भी नुकसान का अंदेशा होता है ना, कि इसमें नुकसान होगा, इसमें नुकसान हो सकता है, इसमें इस तरह से नुकसान हो सकता है। लेकिन एक तिजारत जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में किया, वह ऐसी तिजारत है जो कभी भी नुकसान में नहीं जाने वाली। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं और पोशीदा तौर पर छुपा करके और ऐलानिया तौर पर जो लोग खर्च करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यरजूना तिजारतन लन तबूर, ये लोग ऐसी तिजारत कर रहे हैं जिसमें कभी नुकसान नहीं होगा, कभी खसारा नहीं होगा। लिहाजा ऐसी तिजारत मुझे और आपको करना चाहिए, ऐसा बिजनेस मुझे और आपको करना चाहिए। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लियुवफियहुम उजूरहुम मिन वयज़ीदहुम मिन फज़ली, ताकि उनको उनके उजरतें पूरी दे और उनको अपने फजल से ज़्यादा दे, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला और कदरदान है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में ये बता रहा है कि अल्लाह ताला अज्र को बढ़ा चढ़ा करके देने वाला है। मैं और आप जो नेकी करते हैं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अज्र को बढ़ा चढ़ा करके हमें जो है सवाब देता है। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें, क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत करना ये नफ़ा बख्श तिजारत है। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा अगला मौजू है आखिरत। आखिरत में एक हदीस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़्रअुल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी, कुरान मजीद को पढ़ा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान मजीद को पढ़ा करो, इसलिए कि ये कुरान कल क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगा। अब आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में क्या फ़रमाया, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह, कि क़यामत का दिन वो दिन होगा, क़यामत की हौलनाकी ऐसी ख़तरनाक होगी कि वहाँ हर कोई एक दूसरे से भागेगा, बाप बेटे से, माँ बेटी से, हाँ हर कोई दोस्त दोस्त से अलग होगा कि कहीं मेरी नेकी ना मांग ले, कहीं मुझसे कुछ तलब ना कर ले, लिहाजा हर कोई दूर भागेगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़्रअुल क़ुरआन, कुरान को पढ़ा करो, जहाँ कोई काम नहीं आएगा वहाँ कुरान मजीद काम आएगा। फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबी, इसलिए कि ये कुरान मजीद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास सिफारिश करेगा, अल्लाह से कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इसकी मगफ़रत फरमा, इसको माफ़ फरमा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कि मैंने बताया था इब्तिदा में रिवायत में, कि कुरान और रोज़ा जो है सिफारिश करेंगे और उन दोनों की सिफारिश को कबूल किया जाएगा। लिहाजा अज़ीज़ भाइयों, मेरी माओ बहनों, मुझे और आपको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें, कसरत से कुरान मजीद को पढ़ा करें। चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, कुरान का और रमज़ान का बड़ा गहरा ताल्लुक है, लिहाजा आप कुरान के पढ़ने को अपना मामूल बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। लिहाजा कुरान मजीद आखिरत में इंसान को बुलंद रुतबों पे फायज़ करवाएगा। वो हदीस है ना जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरआनी मा सफरतिल किराम बररा, कि कुरान पढ़ने में जो माहिर है वो कल क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा, उन फरिश्तों के साथ होगा जो बंदे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान में सिफारत का काम करते हैं। लिहाजा कुरान मजीद को कसरत से पढ़ना चाहिए, इंसान को कसरत से पढ़ना चाहिए, ताकि कल क़यामत के दिन उसके लिए जो इनामात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के पढ़ने के रखे हैं, ताकि बंदा उन इनामात को हासिल कर सके। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देख लें पूरी अहादीस देख लें आप, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन कैसे कैसे इनामात बयान किए। हाँ, कि जो लोग कुरान मजीद को पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए बेशबहा इनामात रखे। और इस हदीस में तो कहा, अल माहिरु बिल कुरआनी मा सफरतिल किराम बररा, कि कुरान मजीद को कसरत से पढ़ने वाला ये मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा, यानी जो पढ़ने में माहिर हो, जो कुरान को अच्छा पढ़ता हो। इस हदीस की मजीद तफसील आगे आएगी इंशाल्लाह।
آپ اتنا سمجھیے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین نے مختلف انواع کے انعامات ایسے لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔